प्रकाश एंड वेलकम टू आवर चैनल माइंड योर साइंस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ आईटी। अब हम जो मैकेनिकल इंजीनियर है ना, इन्हें प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर्स के जो ये सब्जेक्ट होते हैं इसे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन मैं आपको इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कराऊंगी। अभी जो हमारा सब्जेक्ट है इसका नाम आईटी क्यों नहीं रखा, एसेंशियल्स ऑफ आईटी क्यों रखा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आईटी की कुछ जरूरी बातें। एसेंशियल का मतलब ही वही होता है यार कि क्या होता है, जरूरी चीजें। अभी ये जो हमारे चार यूनिट्स हैं, पहला यूनिट क्या है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, दूसरा है प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, तीसरा है रिलेशनशिप्स और चौथा है RDBMS प्लस SQL। अब ये जितने भी यूनिट्स हैं इनका आपस में कुछ भी ताल्लुकात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा पहला यूनिट है इसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखेंगे। वो क्यों सीखेंगे, क्योंकि ये क्या है, जरूरी है। और हम तो कहते ही हैं यार मैकेनिकल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, तो ये आईटी का बड़ी चीज है। तो हम क्या करेंगे, एसेंशियल्स पढ़ेंगे किसके, आईटी के। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में फिर से वर्ड आ जाता है बेसिक्स, यानी कि हमें पूरी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, हमें सीएससी वालों की तरह लैपटॉप खोल के प्रोग्रामिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है रिलेशनशिप्स, जिसमें आते हैं इनहेरिटेंस, जैसे होता है ना घर में, ये मेरा दादू है, मैंने दादू से ये इनहेरिट किया, पापा से मेरे अंदर ये क्वालिटी आई, वही है हमारा रिलेशनशिप्स, बट ये हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग की फॉर्म। और RDBMS और SQL भी कुछ ऐसी चीजें हैं, बट इनका भी क्या है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है। कोई भी चीज हम शुरू करने जा रहे हो तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है ना कि यार हम तो मैकेनिकल इंजीनियर है, ये सब पढ़ के क्या करेंगे, बट नहीं, हमें हर चीज का बेसिक तो पता होना ही चाहिए। जैसे कि हमारे खुद के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑटो कैड हो गया, एंसिस हो गया, कैटिया हो गया, क्या है, सॉफ्टवेयर ही है, और ये भी क्या है, सब सॉफ्टवेयर का भी कुछ बेसिक पार्ट है। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आज एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारी पहली यूनिट शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे तो बाद में जाएंगे, पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे इंजीनियरिंग करना एक प्रॉब्लम बन गया है ना, नहीं बड़े से प्रॉब्लम बनाना नहीं है, ठीक है, क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम का मतलब तो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम का मतलब लेकिन होता क्या है, कोई डिफिकल्ट काम या फिर कोई डिफिकल्टी। अब क्या डिफिकल्टी चल रही है आजकल के लॉकडाउन में, यहां से एग्जाम्पल उठाते हैं। लॉकडाउन में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ट्रैवलिंग की। जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, कोई पैदल चल के जा रहा है, कोई साइकिल पे चल के जा रहा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ट्रेन और एरोप्लेन का अब क्या कर दिया, चलना शुरू करवा दिया। लेकिन इन्होंने क्या कहा, क्या कर लो, प्रिकॉशंस ले लो। प्रिकॉशंस क्या क्या थे, मास्क लगा कर आओ, फिर क्या करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, और क्या था सबसे इम्पोर्टेंट, आरोग्य सेतु डाउनलोड करो। अगर आप ये सारी चीजों को क्या कर रहे थे, सैटिस्फाई कर रहे थे, तो ही आप क्या कर पा रहे थे, ट्रैवल कर पा रहे थे। तो यहां से हमें क्या पता लगा प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम क्या थी, ट्रैवलिंग की थी। तो हमने क्या किया, ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। कैसे सॉल्व करने की कोशिश की, स्टेप्स में। तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमें कुछ स्टेप्स को समझना पड़ता है कि हम ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल छोड़ दो यार, छोटे से एग्जांपल से सोचते हैं। अगर आपके पास थोड़े दिन रह गए हैं पेपर के लिए पढ़ने के लिए, क्या करते हो, 7 days उठाते हो, हमारा प्रिय 7 days, या फिर मास्टरमाइंड या जिससे भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, एंड में तो क्या होता है, यही काम आता है। तो ये क्या, एक तरह से आपने स्टेप उठाया ना, वह दुकान पे और इसे खरीद के लाए, फटाफट पढ़ लिया और अपने सेक्शन में एग्जाम जो भी था वो जा करके दे दिया। तो हमने क्या कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ऐसे ही क्या होता है प्रोग्रामिंग में, ये तो हमने कर ली जनरल चीजों की बात।
जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई थी, बट हमें बात किसकी करनी है, आईटी की करनी है। आईटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर की बातें करनी है। तो कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है यार, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप जब एफओसी भी पढ़ के आए होंगे अपने फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे हम क्या करते थे, हमें क्या दिया होता था, एक क्वेश्चन दिया होता था, एक हमारी क्या होती थी, क्वेश्चन स्टेटमेंट होती थी, जिसमें हमें कुछ भी करना होता था, और नंबर, इवन नंबर, नंबर प्रिंट करो 1 से 10 तक, ऐसा ही कुछ होता था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ही समझ में ना आए तो क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्या करोगे, चीटिंग करोगे। बट चीटिंग तो हमें करनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे। किसकी टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स। तो ये जो हमारी टेक्निक्स हैं, इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है एल्गोरिदम और दूसरा है हमारा फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। ये आप डेली लाइफ में भी करते हो। कैसे करते हो, खाना बनाने के क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। अगर आपको भी लॉकडाउन में खाना बनाने का शौक है तो आप गूगल करते होगे या फिर यूट्यूब पे देखते होगे। उसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, फिर हमारी पूरी रेसिपी होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि जी हमने तो ये बना लिया। तो ये क्या है, एल्गोरिदम। और अगर इसी को आप क्या करो, कुछ डायग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दो कि ये लेना था, फिर इसमें पानी उबालो या फिर कुछ भी करना है। अगर आप इसे किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी डायग्रामेटिक फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो क्या बन जाता है, फ्लो चार्ट बन जाता है। तो ये तो आप रोज ही कर रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि पेपर में ये कहानियां लिखोगे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नंबर तो देने नहीं वाली, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की हो तो भी नंबर नहीं मिलने वाले। तो हम क्या करेंगे, इसकी अच्छी अच्छी छोटी छोटी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले तो ये लिखते हैं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट है क्या, यानी कि टॉपिक क्या बना, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या बताया मैंने, क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं। यानी कि क्या है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ टूल्स। टूल्स ही है, टूल का मतलब क्या होता है यार, जैसे कि हमारे पास मैकेनिकल में टूल होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, खोल देता है, प्लास होता है, या कुछ भी होता है, तो ये भी क्या है, टूल है। इसको कंप्यूटर साइंस में भी टूल ही बोलते हैं, ठीक है। किस लिए है, टू एक्सप्लेन। क्या कर रहे हैं ये, एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। क्या है ये, एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, कुकिंग करने से पहले इंग्रेडिएंट्स, फिर रेसिपी, और फिर लास्ट में क्या होती है, प्रेजेंटेशन। तो वो क्या है, एक तरह से प्रोसेस है। तो ये क्या बने, दो तरह के टूल्स जो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी प्रोग्राम के प्रोसेस को। अब अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है, किसकी लिखनी है, एल्गोरिदम की, तो क्या डेफिनेशन बनकर आएगी, क्या बताया मैंने, एल्गोरिदम क्या है, वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ठीक है। तो इसे क्या होता है, ये रिटन फॉर्म होता है ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड। फिर वही बात कुकिंग वाली याद रखना है माइंड में, उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा हम क्या कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे थे, ठीक है। किस लिए है ये, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उसे क्या कर लिया, स्टेप बाय स्टेप क्या कर लिया, लिख लिया। तो ये क्या बन गया हमारा, द रिटन फॉर्म ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि ये क्या करता है हमारा, सिंपल सी बात क्या हुआ, ये क्या है, हमारा प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आसान है। इसके बाद क्या आ जाएगा, और इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, इसमें हमारी कैलकुलेशन आ जाती है,
कैलकुलेशन वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब क्या होती है, हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग मतलब समझते हो कि हम कोई चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होता है, ठीक है। वही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप कुछ लिखा है तो आपके माइंड में पीछे कुछ रीजन होगा ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, कैलकुलेशन, रीजनिंग, और तीसरा क्या है हमारा, डाटा प्रोसेसिंग। ये कैसे याद रखना है, आपने कुछ सोचा, उसे लिखा मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर उसे क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया, और किसे प्रोसेस किया, हमारे डाटा को। अब ये जो पूरा हमने पढ़ा है इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है, अगर आपको समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं तो ये सब कुछ हमने सिर्फ इंग्लिश में क्या लिख करा है, लिखा है, बाकी आपको कहीं और से डेफिनेशंस लिखनी है तो आप वो भी कर सकते हो, कोई डेफिनेशन गलत तो होती नहीं, जो आपको अच्छे से समझ आ जाए और याद रह जाए वो बेस्ट होती है। हमने क्या कर लिया, एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिख ली, अब हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिख लेंगे। फ्लो चार्ट क्या बताया मैंने, क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल मतलब क्या, ड्राइंग नहीं बना के आ रही यार, ऐसे कुछ सिंबल होते हैं, ऐसा एक ओवल होगा, ऐसा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा, ऐसा कुछ होगा, तो ये सब क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, डेफिनेशन लिख रहे थे, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अ फ्लो चार्ट is a, क्या बताया मैंने, ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप बाय स्टेप डाटा। किसके लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों डेफिनेशन क्या है, लगभग सेम है, ये क्या है रिटन फॉर्म है, ये क्या है ग्राफिकल है या फिर पिक्टोरियल फॉर्म है, ठीक है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये बस स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, 1 2 3 4 करके इसको इस तरह से लिखते हैं। अब ये जो मैंने बनाए हैं इनका भी कुछ मीनिंग है, ठीक है, कुछ भी फालतू का नहीं होता इसमें। तो ये जो हमने डायग्राम बनाए हैं कहाँ पे कौन सा यूज होगा ये मैं आपको बताती हूँ। जो तो हमारा ओवल था, सबसे पहले हमने क्या किया, गोल चीज बनाई, ठीक है, तो ये हमारी जो ओवल शेप है ये क्या करती है, स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करती है, मतलब आप कोई भी पहली चीज लिखोगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमें इंस्ट्रक्शन मिली, और कोई भी जब आपको इंस्ट्रक्शन देता है तो आप क्या हो जाते हो, सीधे हो जाते हो, तो ऐसा सीधा सीधा सुंदर सुंदर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद आपने क्या किया, इनपुट आउटपुट दी, तो इनपुट आउटपुट देते देते क्या हुआ, थक गए थोड़े से, फिर टेढ़े हो गए, फिर टेढ़े होते होते क्या हुआ, और टेढ़े हो गए, तो कुछ ऐसा बन गया, ये क्या है हमारा डिसीजन बॉक्स। और ये जो हमारी ऐसे की आरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या होती है, हमारी कनेक्टिंग लाइंस। इसको आप कनेक्टिंग लाइंस बोल सकते हो या फिर आरो या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। याद कैसे रखना है, स्टार्ट किया गोल थे, गोल से इंस्ट्रक्शन मिली सीधे हो गए, इनपुट आउटपुट देते देते थक गए थोड़े और टेढ़े हो गए, फिर करते करते डिसीजन आने तक तो हम पूरे थक गए और क्या हुआ, हमने अपनी पूरी शेप बदल दी। तो ये जो चार शेप्स है इन्हें क्या करना है, याद रखना है, जैसे मुझे याद करो मैंने आपको अपना मेथड बता दिया। अब हमने ये जो पढ़ लिया है हम क्या करेंगे, थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं, कोई भी चीज एग्जांपल से सबसे अच्छी तरह से समझ आती है। तो हम एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लेंगे और उसी को फिर क्या कर लेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, प्रिंट, प्रिंट का मतलब यार, प्रिंट का मतलब प्रिंट निकालना नहीं है, ठीक है, प्रिंट का मतलब होता है छापना, छापने का मतलब क्या होता है, ये मैंने यहाँ छाप दिया, क्या कर दिया, यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट का मतलब सिंपल से
लिखना। अब आप ये जो लिखना है किसे बता रहे हो? अपने कंप्यूटर को बता रहे हो। तो कंप्यूटर को छापना लिखना क्या होता है? समझ नहीं आता। कंप्यूटर क्या है? इंटेलिजेंट है, उसे वर्ड समझ आता है, प्रिंट। तो हम क्या करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखने को क्या बोलते हैं? सिंपली प्रिंट बोलते हैं। 1 to 20 क्या बोला मैंने कंप्यूटर जी को? बोला कि 1 से 20 तक मुझे नंबर लिख के दिखा दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले स्टेप बनाएंगे। ये था हमारा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेप्स लिखना। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब करता होता है शुरू करना। कहां से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। 1 से नहीं शुरू करेंगे, x को 0 पुट कर दोगे। आपको तो क्या करवाना है? प्रिंट कराना है 1 से 20 तक। तो आप थोड़ी कंप्यूटर को बोलोगे यार 1 से शुरू करके मुझे 1 नहीं बताएंगे। हम क्या बोलेंगे? ले तो 0 से शुरू करके दिखा। तो इनिशियलाइज हमेशा कहां से करते हैं? प्रोग्रामिंग में 0 से करते हैं। कुछ भी इनिशियलाइज होगा हमेशा 0 से होगा, ये बात एंड तक याद रखना। इनिशियलाइज कर दिया हमने x को, कहां से? 0 से। उसके बाद स्टेप 2 क्या है हमारा? इंक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, यानी कि ऐड करना। ठीक है, एक स्टेप आगे चले जाना। तो हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे x को बाय 1। इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? 1 बढ़ाना। तो हमने क्या बोला? x इनिशियली क्या था? 0 था। तो हमने क्या बोला? इंक्रीमेंट कर दे। तो 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1। ठीक है, और हम ये कब तक करेंगे? 20 तक करेंगे। तो फिर हम इससे पहले क्या कर लेंगे? ये तो हमने अपना निकाल लिया, हमने क्या करा? लिखा। तो इसको भी बोलेंगे क्या? बोलेंगे प्रिंट कर दिया x को। क्या किया इसने? ऐसे करके हमारा x इज इक्वल टू 1 प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद हमें, ये तो हमारा सिर्फ 1 प्रिंट हुआ है ना, हमें चाहिए कहां तक था? 20 तक चाहिए था। तो हम फोर्थ स्टेप क्या लिखेंगे? इफ x इज लेस देन 20, गो बैक टू स्टेप 2। क्या बोला मैंने? अब यहाँ क्या था? x क्या था? 1 था। यहाँ पे इसने हमें x प्रिंट करके दे दिया x इक्वल टू 1। फोर्थ स्टेप में क्या बोला मैंने? अगर x क्या है? 20 से कम है। 1 क्या है? 20 से कम है। तो ये क्या करेगा? वापस जाएगा स्टेप 2 पे, और स्टेप 2 में क्या करेगा? x हमारा इनिशियली क्या था? 1 था। वापस से इंक्रीमेंट होगी, मतलब 1 + 1 = 2 हो जाएगा। आसान है, क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। क्या करना था हमें प्रॉब्लम में? 1 to 20 क्या करना था? प्रिंट करना था यार। अब आपका कंप्यूटर क्या है? क्या समझता है? कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज समझता है। तो लिखने को कंप्यूटर से क्या बोलते हैं? प्रिंट बोलते हैं। तो स्टेप्स क्या थे हमारे? सबसे पहले हमने क्या किया? x को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना या फिर शुरू करना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? x तो हमारा 0 था, हमें चाहिए कहां से कहां तक था? 1 से लेके 20 तक चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या किया? इंक्रीमेंट कर दिया x को 1 से। तो क्या हुआ? 0 + 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1। अब ये इसने अपने अंदर तो कर लिया, लेकिन हमें तो ये लिख के बताएगा। तो लिख के बताने के लिए हमने कमांड क्या दी? प्रिंट कर दे भाई तू x को। इसने x को प्रिंट करके क्या कर दिया? हमें बता दिया x क्या हो गया? 1 हो गया। अब हमने क्या बोला? अगर x 20 से कम है तो वापस चला जा स्टेप 2 पे। तो 1 क्या था? लेस था 20 से। तो ये वापस गया कहां? स्टेप 2 पे। तो इसने इंक्रीमेंट किया 1 को एक और स्टेप से। तो 1 + 1 कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। अगर इसी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है, फ्लो चार्ट में बस क्या कर दोगे यार? वो बना दोगे हमारे डायग्राम से। ठीक है, ये तो हमारा क्या था? एल्गोरिथम था। अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या बताया था मैंने? ओवल बनता है स्टार्ट में और एंड में, हमेशा क्या बनेगा हमारा? ओवल बनेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हमने स्टार्ट किया, फिर हमने क्या बोला था? जो हमारे बॉक्सेस थे सीधे सीधे से, ये क्या थे? हमारी इंस्ट्रक्शन थी। तो हमने क्या इंस्ट्रक्शन दी है हमारे कंप्यूटर को? कि x को इंक्रीमेंट कर दे बाय 1। ठीक है, इसी को हमने बस उठा के इस डब्बे में रख दिया। उसके बाद हमारा क्या था? अगला भी हमारा क्या है? इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है? प्रिंट कर दे x को। क्या किया हमने?
स्टार्ट किया, ओवर में मुझे स्टार्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने सीधा सीधा क्या किया, इंस्ट्रक्शन दे दी। क्या इंस्ट्रक्शन दे दी कि इंक्रीमेंट कर दे एक्स को वन से। उसके बाद हमने क्या किया, वापस से इंस्ट्रक्शन दी। क्या इंस्ट्रक्शन दी, एक्स को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर ऐसा कुछ है तो ये क्या होता है, डिसीजन होता है। डिसीजन क्या था इसमें, अगर एक्स क्या है, लेस देन 20 है, तो क्या अगर वापस चला जाए स्टेप टू पे, यानी कि अगर हमारा एक्स क्या है, लेस देन 20 है, तो इसे कहां जाना है, वापस से स्टेप टू पे। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। तो क्या किया हमने, इसे वापस भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। यारो यहाँ पर भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा लो, जाएगा वो स्टेप टू पे, ठीक है। तो हमने एक्स इंक्रीमेंट कर दिया, प्रिंट करा लिया, ये वापस यहाँ से हमने यहाँ तक सब कर लिया, हमारा डिसीजन भी हो गया। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये कब होगा, अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन 20 हो जाए तो ये नो हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास एक्स करते करते 20 आ गया और उसके बाद भी इसने कर दिया, तो 21 के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं एल्गोरिथम और ऐसे बनाते हैं हमारा फ्लो चार्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पेपर में जितने एग्जांपल लिख के आओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल क्या होता है, एग्जामिनर को पढ़ने में भी इजी होता है और मार्क्स देने में भी इजी होता है। अब आप जितनी मर्जी थ्योरी, जितने मर्जी डेफिनेशन लिख लो, जब आप एग्जाम्पल लिख देते हो ना, तो आपका पेपर थोड़ा सा क्या होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। अब अगर आप एक और एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा। एग्जाम्पल टू क्या लेंगे हम, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। क्या करना है हमारा, टेम्परेचर है यार, जैसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम क्या था हमारा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था। तो सबसे पहले इस केस में क्या करेगा कंप्यूटर हमारा, रीड करेगा। किसे रीड करेगा, टेम्परेचर को। सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर पढ़ा जाएगा किस फॉर्म में, फ़ारेनहाइट में। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, कैलकुलेट। मैंने बताया था एल्गोरिथम में हमारे पास क्या क्या होता है, रीजनिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, और क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर बाय द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, सी इज इक्वल टू 5/9, ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, इंटू एफ माइनस 32। ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या होगा हमारा, हमने क्या किया अभी, टेम्परेचर को पढ़ा किसमें, फ़ारेनहाइट में। उसके बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर को कैलकुलेट करके दे इस फॉर्मूले से। एफ उसने पढ़ चुका था, तो वो क्या करेगा, डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर निकाल के दे देगा। लेकिन वो हमें बताएगा कब, जब हम उसे क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो हम क्या प्रिंट कर लेंगे, सी को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ रहे हो, यहाँ तो हमने रीड कर लिया, यहाँ कंप्यूटर ने अपने अंदर तो कैलकुलेट कर लिया, उसने बता दिया कि 32 डिग्री है या 34 डिग्री है, जितना भी डिग्री है उसने कैलकुलेट तो कर लिया। बट वो आपको कब बताएगा, जब आप उसे प्रिंट करोगे। अगर इसी को हमें कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या आता है, हमारी ओवल शेप आती है, यहाँ बना लेते हैं इसको। यहां से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, इसके अंदर हमेशा स्टार्ट लिखना, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हमने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दी। ये क्या है, हमारी इंस्ट्रक्शन है। क्या बोला हमने, रीड कर किसको, एफ को। उसके बाद हमने क्या बोला, कैलकुलेट करना है हमें टेम्परेचर को। ये वापस से क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, C is equal to 5/9 into F minus 32। ये क्या हो गया हमारा, ये वाला स्टेप हो गया। उसके बाद हमने फिर से क्या किया, इंस्ट्रक्शन दी। क्या इंस्ट्रक्शन दी, प्रिंट कर दे C को, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस केस में हमने दो चीजें समझी यार, जो पहले वाला था वो तो सिंपल सा था कि हमें सिर्फ प्रिंट करना था, तो उसमें सिर्फ क्या हो रही थी, डाटा प्रोसेसिंग हो रही थी।
अब मैंने आपको क्या बताया कि एल्गोरिथम में क्या होता है, कैलकुलेशंस भी होती है, तो वो चीज प्रूव करने के लिए हमने ये वाला एग्जांपल लिया। अगर आप एग्जामिनर को ये वाला भी लिख के दे दोगे तो उसे समझ आ जाएगा कि बच्चे को पता है कि कैलकुलेशंस के फॉर्म में कैसा एग्जांपल आता है। इसी को हमने क्या किया इसमें लिखा, जो पिछले वाला हमारा एग्जांपल था उसमें क्या था, हमारे पास डिसीजन पे इन्वॉल्व था, कौन सा डिसीजन कि अगर एक्स क्या है लेस देन 20 है तो गो बैक टू स्टेप टू। इस केस में क्या है, हमने तीनों बार क्या किया, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए। पहले क्या दिया कि पर टेम्परेचर को कन्वर्टर और मुझे प्रिंट करके दे दे, और यहाँ क्या हो गया ये एंड हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग से। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंप्यूटर की फॉर्म में हम किसकी हेल्प से करते हैं, हमारे पास दो टूल्स थे, पहला था एल्गोरिथम और दूसरा था फ्लो चार्ट। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि एल्गोरिथम तो हमारा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला होता है, मेथड होता है सिर्फ लिखने का, और जो हमारा फ्लो चार्ट था वो क्या था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर बनाई थी। इसके बाद कल हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम्स को थोड़ा और लेकर आगे जाएंगे, और हम क्या पढ़ेंगे, सर्चिंग एल्गोरिथम। सर्चिंग का मतलब क्या होता है, ढूंढना, यानी कि टू फाइंड। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लोकेशन फाइंड करते हैं। लोकेशन फाइंड करना यार ये मतलब नहीं है यार कि मम्मा कहाँ चलेगी बताओ यार, लोकेशन ढूंढ भी दो। इस केस में हमारा सिर्फ कुछ क्या चलेगा, कंप्यूटर के फॉर्म में चलेगा, तो हम अपना आइटम सर्च करते हैं। अब इसमें ये जो आइटम है ये क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगी, और ये जो सारा कंसेप्ट है इसके कुछ चार है, चार तरह के होते हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च वगैरह वगैरह, ये हम करेंगे हमारे कल के लेक्चर में। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।